तो गाइस आप देख सकते हो मेरे को, तो ये अगला व्लॉग शूट हो रहा है, नेक्स्ट डे का व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि पिछले दिन मेरे को व्लॉग बनाने को कुछ नहीं मिल रहा था ना, मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था वो, तो आज का जो व्लॉग है आप देख सकते हो मेरे को। आगे देखो मुस्कान, मुस्कान इधर देख, ये देखो मुस्कान कैसी लग रही, कमेंट डाउन करके बताओ, और मैं कैसा लग रहा हूँ, ये हट हट पीछे हट। तो ये देखो और देखना ले इसको, तो गाइज ये देख लो मेरे को, ऐसे देख लो गाइज, आप इसने ऐसे नहीं दिखाना। तो गाइज ये हम शूट कर रहे हैं नेक्स्ट डे, तो आज है घर पे छोटा सा फंक्शन एक, जिसको बोलते हैं मॉक घर पे, जो हमारा अगर आंटियां हैं हमारी सब्सक्राइबर तो उनको पता होगा, और अंकल जितने भी जानते हैं अपने भाई बंधु लोग। तो गाइज सीन कुछ ऐसा ना, बार में बताता हूँ ना, मंडप वंडप सेट हुआ है, मंडप नहीं हवन का एक सेट हुआ है ना, फिर आपको ज्ञान की बात भी बताऊंगा, मैंने कई YouTube वीडियोस में सुना है उसके बारे में, तो वो भी बताऊंगा। और ये हमारे पंडित जी, पंडित जी हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जय बाबे दी, ठीक है, माइक 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 लाना। तो गाइस ये कुछ सेटअप ऐसा सा, ये जब हवन स्टार्ट होगा तो हमारे साथ कुछ बोलना चाहते हैं आप, इंग्लिश में बड़ा अच्छा बोलते हो आप, बोलते हो एक बार। तो गाइस जब हवन स्टार्ट हो गया ना, कुछ बोलने के नहीं, बस ये दीदी हमारी वीडियो बनाएगी और मंत्र मंत्र सुनाएगी, जितने भी हैं सारे मंत्र मंत्र आराम से सुनना, ढंग से सुनना, फिर आपको एक खास बात बताऊंगा, मैंने कई वीडियोज में देखा यूट्यूब की क्या वो कैसे बोलते हैं हमारे धर्म के बारे में। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अब अनुबंध देखो आप तब तक। तो गाइस यहाँ पूजा चली हुई है, देख सकते हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि मंत्रों के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता, तो बस सुनो गाइस आप कितने रिलैक्सिंग हो गए। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा उत्तेष्णपरवसिमसाध्यात्वा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रत्यवर्धनमूर्वाक्मै वन्दना मृत्युर्मुक्षिमाकृता स्वाहा स्वाहा जगदीश्वराय नमः। ओं श्रीचलक्ष्मी च प्रसन्नरात्रि पाशविन शस्त्राणि रूपं श्मशान प्रभुलोकशान स्वाहा स्वाहा नमोमाय नमः। यत्पत प्रथमजाय मानुचता पुरुषासन हिरण्यबाहुपति मुञ्चाते पुन स्वाहा स्वाहा इदं स्कन्दाय नमो विष्णुरदाटमति विष्णुधनस्ते स्वाहा।
तो गाइज कैसा लगा आपको देख के हवन हो रहा नीचे? तो मैं थोड़ा ऊपर आया अपने रूम में क्योंकि लाइट है नहीं और विंडो के थ्रू मेरे को अगर थोड़ी सी लाइट मिल रही है तो उधर वीडियो बना रहा हूँ एक। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देना वीडियो को। और तो मैं बात कर रहा था, थोड़े ज्ञान की बात बताता हूँ। जैसे मैंने कई वीडियोस और कई शॉर्ट्स देखे मैंने यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि अपने जो इंडिया के लोग हैं भाई, जो यूट्यूब पे भी हैं कई, मेरे को नहीं पता उनका नाम नूं, तो वो अपने जो धर्म की है वो बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब इन द सेंस कि वो बोल रहे हैं हवन क्यों करते हैं, हवन को क्या करने की जरूरत है, ऐसे वैसे बोलते हैं। आपने भी सुना होना, कि मेरे को प्रॉपर नाम तो नहीं याद उस बंदे का, पर आपने भी सुना ही होना। तो एक बात तो ये, हवन करते हो तो आपको एक तो इनर पीस मिलती है आपको अपनी हवन से, और जो हवन साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर जो हवन से गैस रिलीज होती है उससे हमारी ऑक्सीजन प्योर होती है, एनवायरनमेंट प्योर होता है और अच्छी ऑक्सीजन मिलती है हमें, ये तो गया साइंटिफिक। और हवन से ये होता है कि भाई जो आपकी जो जैसे मंत्र भी सुने आपने, जो चैंटिंग होती है मंत्र की, वो सीधे अग्नि देवता से सीधे वो गॉड की तरफ जाती है, मतलब भगवान को पूरी, मतलब अपनी जो हमारी जो अरदासें होती हैं वो सारी उनको उन तक पहुंचती हैं ड्यू टू हवन के थ्रू। तो गाइज ये मतलब जो अपने धर्म को मजाक उड़ाते हैं, धर्म का मजाक उड़ा, उनका कुछ नहीं हो पाएगा, उनका कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप बेइज्जती करते हो अपने धर्म की ना, तो पहले तो ये सोचो, अगर आप अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हो तो अपने आप माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप को देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कितनी, मतलब पूजा इन द सेंस कि आप अगर सोच रहे हो कि पूजा करने से कुछ भी नहीं मिलता, तो भाई कुछ भी नहीं मिलता पूजा करने से, वो आपको अपनी इनर पीस मिलती है पूजा करने से, कुछ नहीं मिलता। और अगर कोई सोचता कि टीका लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई हम हिंदू हैं, हिंदू सनातनी है, हम टिक्का लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, और ऐसी बात नहीं कि नहीं लगाएंगे। तो मतलब हवन का आपको अब मैं क्या बताऊं, जो लोग हैं वो कई कुछ बातें करते हैं, पर नहीं, हमने अपना जो है अपना धर्म नहीं छोड़ना, हमने चाहे कुछ भी हो जाए हमने अपना धर्म नहीं छोड़ना। तो और ये फैक्ट जो है, ये आप गूगल पे भी कर सकते हो, आप गूगल भी देख सकते हो कि हवन क्यों इम्पोर्टेंट है करना, और आप ये भी देख सकते हो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और किसी भी साइट में देख सकते हो आपकी हवन क्यों जरूरी है करना। तो जो कई लोग बोलते हैं, जो सो कॉल्ड जो बोलते हैं हम हिंदू, और बाद में वो पीठ पीछे बेइज्जती करते हैं अपने धर्म की, तो उनके लिए ये है भाई साहब, अपनी जो ये चीजें ऋग्वेदा में भी बताई गई हैं, तो उसको आप फॉलो करो, पढ़ो उसको। तो गाइज अपने धर्म को, चाहे कोई सा भी धर्म हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदू धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, अपने धर्म की इज्जत करना सीखो और दूसरे धर्म की बेइज्जती मत करो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब इन द सेंस जो समझना आपने समझ लो, किसी के डरता नहीं मैं, अगर जो समझना समझ लो आप, तो ऐसा करो कि अपने धर्म की इज्जत करना सीखो पहले, फिर बाकी दूसरों के धर्म के बारे में बोलना सीखो। ऐसा करो कि भाई अपने धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखो, और क्या नहीं मिलेगा अगर आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखोगे ना, तो आपको क्या नहीं, कहाँ कहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी गाइज। तो मेक श्योर कि आप अपने धर्म को समझो पहले, तो जो हिंदुइज्म और ये सनातनी धर्म जो बोलते हैं ना, उसको समझो पहले। तो गाइज सारे कमेंट डाउन करके जय श्री राम लिख दो, और जय श्री राम बोल भी दो। मैं ये नहीं बोलूँगा जो जय श्री राम नहीं बोलेगा उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइक नहीं करेगा, वो नहीं होगा। अगर आपका मन है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं है तो मत करो, देख के चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइज। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा लाइक करो शेयर करो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि थोड़ा फन व्लॉग बनाएंगे हम। आज तो आपको पता फंक्शन लगा, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं आपको ऐसे किसी धमाकेदार व्लॉग में, टेक केयर गाइज।